फाइनली दिख गई। ये देखो, आई डोंट नो कौन है। ब्यूटीफुल पीपल की हालचाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो आज है हमारा रोड ट्रिप का डे टू। यहाँ से निकलने वाले हैं हम जम्मू से वाया कटरा से होते हुए हम पहले जाएंगे एक स्टॉप पटनी टॉप राइट। तो पटनी टॉप स्टे करने के थोड़ी देर बाद वहाँ से हम निकलेंगे आगे अगली लोकेशन पे, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे। जगह का नाम मैं अभी नहीं बताऊँगा, चलते हैं रास्ते में वहीं पर पहुँच के बताऊँगा कि वो जगह का क्या नाम है। मिलते हैं रास्ते में, और पहले नीचे से किसी को बुला लेते हैं कि सामान लेके जाना है, सामान थोड़ा ज़्यादा है। तो चलो लेट्स गो। हो गया है पैकिंग अच्छे से, अब हम निकलते हैं अपनी जर्नी के लिए। तो वॉक करके जाएं तो एक मिनट का फ़र्क होगा। राइट यहाँ से हम ये गए और हमने ये लेफ्ट लिया तो हम मार्केट में पहुंच गए। राइट ये आ गई मेन मार्केट। तो अब फटाफट से निकलते हैं हम टुवर्ड्स पटनी टॉप। ठंडी हवा, बहुत ज़्यादा ठंड है। आई थिंक मुझे GPS लगा लेना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी दूसरे देश चले जाऊं। क्या प्यारी सी जगह ही है। यहाँ से जम्मू से पटनी टॉप के लिए सड़क निकलती है, तो पीछे का जो एरिया है वो सारा जम्मू रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल टाइप का है, और ये वहीं से रोड निकलता है जो हमारा पटनी टॉप के लिए जाता है। जो अटल टनल है वहाँ पे रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर अंधेरा था थोड़ा। तो मैं आया हूँ अभी यहाँ से, तो यहाँ से चल जाऊँगा तो श्रीनगर को ये रूट चल जाता है, और ये रूट जा रहा है हमारा पटनी टॉप, यहाँ से जो है 5 किलोमीटर, और बीच में एक स्काई व्यू करके एक रिसोर्ट भी आएगा शायद। तो फटाफट से चलते हैं पटनी टॉप, वहाँ पर देखते हैं और उसके बाद हम चलते हैं। ये थोड़ा ऑफ रूट टाइप का ट्रैक है, नहीं ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही है। थोड़ा सा चेंज, ये जो रूट अभी मैंने आपको दिखाया था वो बेसिकली कंडोला राइड के लिए है, जो ट्रॉली जाती है तो वो वहाँ से जाती है पटनी टॉप के लिए। बट मेन जो पटनी टॉप का रूट है वो यही वाला है, तो मेरे को बाइक पे जाना है तो मेरे को यहीं से जाना पड़ेगा, वो रूट मेरे लिए नहीं है। हॉर्सेस नहीं और से जिनिया सो पटनी टॉप है यहाँ से करीब 6 या 7 किलोमीटर। व्यू देख लो, बहुत प्यारा है। सो ये है बेसिकली पटनी टॉप। यहाँ पे आप रिसोर्ट हैं, यहाँ पे रूम्स लेके यहाँ रह सकते हो। यहाँ के नहीं अच्छे, जो उधर की लोकेशन के हैं वो अच्छे हैं, अगर आप वहाँ से देख रहे हो।
और ऐसा सच यहाँ पे कुछ नहीं है, बाकी छोटी छोटी गेम्स हैं, जिप लाइन हो गई, कंडोला राइड हो गई, ये सब कुछ है, और कुछ नहीं है सच। राइट, तो चलो चलते हैं अब आगे के लिए। और यहाँ से एक ये पटनी टॉप है, आगे एक नथु टॉप है, नथु टॉप से होते हुए एक मंदिर आता है, मंदिर को क्लियर करते हुए हम आगे निकलते हैं श्रीनगर के लिए। अभी मैं निकल रहा हूँ पटनी टॉप से, अब मैं जा रहा हूँ नथु टॉप। नथु टॉप होता हुआ फिर हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड करेंगे। सो ये बेसिकली एक पटनी टॉप एक जगह है, उसका पूरा राउंड यहाँ कटता है और अलग अलग पॉइंट्स को उन्होंने नाम दिए हुए हैं, जैसे पटनी टॉप हो गया, नथु टॉप हो गया। थोड़ा सा कुछ खाने यहाँ पे देखोगे तो ये सारे वैष्णो ढाबा हैं, तो फटाफट से यहाँ पे कुछ खाते हैं, खाने के बाद आगे निकलते हैं। यहाँ के फेमस हैं राजमा चावल, देसी घी और अनारदाने की चटनी। इनके भी राजमा राइस विद देसी घी ठीक है, अनारदाने की चटनी, तो यहाँ पे अनारदाने की चटनी लगता है ज़्यादा फेमस है। तो फटाफट से अनारदाने की चटनी खाते हैं। और ये गाड़ी इन्होंने ठोक दी, ये देखो यहाँ पे अभी ये गाड़ी ठोक दी अच्छे से, दब गई वो गाड़ी। चल हो गया इनका। सो चटनी बहुत बढ़िया बनी हुई थी, जैसा मैंने खाया अभी वो हमेशा फ्रेश, उन्होंने बताया कि हमेशा फ्रेश बनाते हैं, मतलब दिन में दो तीन तीन के बार बन जाती है। बाकी सो फॉर सो गुड। अभी जहाँ पे मैंने जाना है आज का स्टे, वो है यहाँ से कुछ 158 किलोमीटर्स। लोकेशन अच्छी है, अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। आपको दिख रहा हो तो वो देखो, वहाँ तक जाना है रूट वो है, और वहाँ पे भी ना ट्रक है, तो दैट मीन्स कि ये पूरा जाम है। और मैं जीपीएस में भी देख रहा था तो उसमें भी ये रेड मार्क में दिखा रहा है पूरा, तो दैट मींस कि ये जाम है यहाँ पे। बहुत टाइम के बाद जिगजैग वाली रोड ख़त्म हो के यहाँ सीधी रोड मिली है, तो ये रूट भी सही है। बहुत देर हो गई थी जिगजैग चली जा रहा था, अब नहीं है। अब देखो सीधी रोड दिख रही है ना, कितनी बढ़िया लग रही है। तो एक काम मैं अभी करूँगा, नियरेस्ट अभी कोई बाइक सेंटर आएगा ना, या वहीं पहुँच के तो वहाँ पे मैं एक बार चेन को अच्छे से क्लीन करवाऊँगा पूरी। वारवन के लिए यहीं से जाना है? वारवन टनल पार करके ठीक है। और श्रीनगर भी यही रूट जाएगा ना, काजीगुंड, ये टनल है बहुत अच्छी बनाई हुई है, ये भी बहुत बड़ी टनल है। अगर हम इस रूट पे पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली ये टनल भी हमने पहली बार ही कर रहे होंगे। सो अभी चेक करते हैं, क्योंकि अभी टनल जो हमने स्टार्ट करी थी 37,000 किलोमीटर पे करी थी, तो लेट्स सी की कितनी लंबी टनल है ये। सो ये है 9 किलोमीटर की, कंफर्म्ड एंड टेस्टेड 37,000 पे करी थी मैंने शुरू, और 37,009 किलोमीटर है, देख लो। सो पूरा एग्जैक्ट 9 किलोमीटर की है टनल। ये रास्ता आता है वारवन की तरफ को, बहुत कम लोगों को पता है यहाँ का रास्ता,
मैंने तीन चार लोगों से पूछा तो उनमें से एक दो को तो पता ही नहीं कि वारवन वैली नाम से भी कोई जगह है। इतनी अनएक्सप्लोर्ड लग रही है मुझे तो, क्योंकि हालांकि वो जिनसे मैंने पूछा था वो यहाँ के लोकल्स थे, लेकिन मैंने जीपीएस भी बता रहा है, फिर एक किसी को मैंने पूछा उनको नहीं पता था, लेकिन उनके कोई फ्रेंड था वो टूरिस्ट था, मतलब टूरिस्ट गाइड हो सकता है या फिर वो ट्रैवलर जो उनसे होते हैं वो होगा, तो उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ से रास्ता है, तो उनसे कंफर्म करा मैंने ना जीपीएस वाला रास्ता बिल्कुल सही था, तो मैं अब वही वाला रास्ता फॉलो कर रहा हूँ। अस्सी किलोमीटर है वारवन यहाँ से, तो सारा का सारा रूट यही है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही एकदम से कहीं थोड़ा सा भी जाम होता है ना, तो फटाफट से पुलिस वाले आ जाते हैं कि इकट्ठे ना हो जाएं लोग। तो अभी भी यही हुआ था कि थोड़ा सा जाम हुआ था, तो दो पुलिस वाले आ गए थे, तो उन्होंने आके, पुलिस नहीं आर्मी है, CRPF हो गए, थैंक यू सर हमें जाने दिया आपने। सो इस तरह का व्यू इस रोड ट्रिप पे मेरे पास फर्स्ट टाइम आया है, तो जो नहर होती है वो एक भी बार नहीं दिखी थी, इस बार दिखी है। सो यहाँ पे इन्होंने स्टोरेज भी करी हुई है, अच्छे से मैनेज किया हुआ है चीज़ों को। सो अभी वारवन है हमारे पास 70 किलोमीटर। तो अभी मैं जिस लोकेशन पे हूँ, ये लोकेशन का नाम है अनंतनाग, और यहाँ से करीब 50 किलोमीटर है वारवन, और मौसम देख लो, इतनी सारी मैंने ढक लिया मुझे। तो उन्होंने इशारा कर दिया था मुझे कि आप खड़े रहो आराम से, वो कुछ नहीं करेंगी, आगे निकल जाएंगी। तो एक बहुत अच्छी लोकेशन आई थी तो दिखाने के लिए आपको रुका हूँ, ये नहीं है, मैं अब आपको पीछे मुड़ के दिखाता हूँ। सूरज देवता के साथ क्या ज़बरदस्त लग रही है, मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है यहाँ पे ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, मैंने फ़ोन से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं, तो नीचे ना मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा है, वहाँ पे जाके चेक ज़रूर करना वो फ़ोटोज़, बहुत ज़बरदस्त फ़ोटो आई है। बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल लोकेशन, कैमरे से ISO एडजस्ट नहीं हो सकता, नहीं तो मैं कैमरे में वीडियो में भी दिखाता, एक दो मैंने शॉट लिए हैं तो वो अच्छे आए होंगे। सो वारवन 30-35 किलोमीटर बड़ा है अभी, देखते हैं कितनी देर लगती है। सो ऑफ रोडिंग पैच भी आ गया, मुझे लगा था कि ऑफ रोडिंग बिल्कुल नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत है, इतनी भी नहीं है, कम है। अभी ये व्यू देखो, सूरज का शेड तो आ रहा है लेकिन वो पूरा रेड हुआ पड़ा एरिया लोकेशन, और ये देखो ये वाला क्या मस्त लग रहा है। सो यहाँ पे थोड़ा सा सही कर रहे थे वो, इस वजह से रास्ता थोड़ा सा ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ से अभी ज़्यादा नहीं है, तो अभी ये हटा रहे हैं, तो जैसे हटाएंगे मैं आगे निकलूँगा। वारवन यहाँ से कुछ रहा है 15 किलोमीटर, और अब रास्ता सारा सीधा है।
दोस्तों वारवन रह गया है यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर। अभी काफ़ी दूर तक ना कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और अब ये लाइट दिखाई दे रही है ना तो तसल्ली हो रही है कि आ गया अपना वारवन। तो अभी मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि पास पे ही है, कोई मिल गया था रास्ते में। बाकी यहाँ पे मैंने अभी तक एक भी टूरिस्ट नहीं देखा अभी भी। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे अभी बहुत कम लोग आते हैं तो यहाँ पे कोई टूरिस्ट मैंने देखा नहीं है। सो चलते हैं फटाफट से होटल में। 8 बजे का हमारा टारगेट होता है कि 8 बजे से ज़्यादा हम नहीं राइड करेंगे। तो अभी बजे हैं 7:04 का टाइम हुआ है। 8 बजे से पहले पहले तो हम पहुँच ही जाएंगे। वारवन पहुंच गया हूँ, होटल मिल गया है। लेकिन मेरा प्लान था, यहाँ पे सिर्फ 2 होटल्स हैं, मेरा प्लान था कि यहाँ से वहाँ जाऊँ, वारवन वैली के पास टेंट मिल जाते हैं टेंट में रहने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बताया कि इस बार ठंड बहुत ज़्यादा पड़ गई, आज ठंड बहुत ज़्यादा पड़ गई है, इस वजह से आज टेंट नहीं लगाए हैं, इसलिए आपको होटल ही लेना पड़ेगा। सिर्फ 2 होटल हैं, उनमें से एक होटल में मैं रुक गया हूँ। सब कल मैं आपको मॉर्निंग में लेके चलूँगा वैली में बढ़िया से आपको दिखाऊँगा वैली क्या है, कैसी है यहाँ की वैली। और उसके बाद यहाँ से हम निकलेंगे श्रीनगर के लिए। सो आपको क्या, आपको पता है क्या करना है, यू नो द ड्रिल। लाइक कर दो, बढ़िया सा कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आने वाले टाइम पर आपके लिए बनाता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज़ गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, बाय बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना।